ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। थाने पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 10 लाख के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 16 जून को भिवंडी से नवी मुंबई की तरफ जाने के समय नायगांव रोड पर टेम्पू मालिक एहसानुल्लाह खान इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा टेम्पू अपने चालक के साथ लेकर जा रहे थे, तभी तैयब मस्जिद के पास 5 लोगों ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से आकर टेम्पू रोका और मारपीट की, बल्कि 10 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ चालक का भी अपहरण कर लिया। मगर ठाणे अपराध शाखा ने 29 जून को इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम अक्षय बाजीराव पाटिल और प्रहलाद उर्फ छोटा बाजीराव पाटिल है। वहीं चैन स्नेचिंग के मामले में भी ठाणे अपराध शाखा ने एक आरोपी जफर ईरानी को गिरफ्तार किया है। चैन स्नेचिंग की 6 घटनाओं में 3,12,000 कीमत की सोने की चैन इसके पास से बरामद की गई है। वहीं टेम्पो इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट के मामले में 7,83,935 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। अधिकारी है राउत साहब और उनकी जो टीम है, उन्होंने चैन स्नैचिंग उस एरिया में काफी बढ़ गया था, तो कदम साहब के गाइडेंस के नीचे ये अपन ने एक टीम वहां पे क्रिएट किया और वो टीम ने करीब 6 चेन स्नैचिंग किया और एक मोबाइल स्नैचिंग का जो क्राइम है वो डिटेक्ट किया। उसके अंदर टोटल 7 जो क्राइम थे अपने डिटेक्ट किए हुए हैं। उसके साथ में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक डिपॉजिट का गुना दर्ज हुआ था, उसका भी अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अपने को थोड़ा क्लू मिला और क्लू के ऊपर अपन ने वर्कआउट करने के बाद अपने को पता चला कि डिपॉजिट है और उसमें करीब 9 लाख के आसपास जो माल है वो डिपॉजिट करके ये लोग लेके गए थे। तो अपन ने वो पूरा माल 100% रिकवर किया हुआ है और उसके अंदर अभी तक अपन ने 2 आरोपी को हिरासत में लेके उनको पीसी भी लिया है। बाकी आरोपी के बारे में अपना खोजबीन जारी है और जल्दी ही वो अपने गैप में है। जो टेम्पो जा रहा था वो टेम्पो को रुका के उसके जो ड्राइवर था उसको लेके जाके थोड़ा किडनैपिंग टाइप का ये उनका ये था। उसके अंदर अपने को पूरा माल मिला है और उसके बाद उन्होंने वो टेम्पो और वो आदमी को छोड़ दिया। उसके अंदर मोबाइल थे, उसके बाद लैपटॉप थे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे उसके अंदर टीवी भी थी। तो अपन ने वो पूरा सारा रिकवर किया। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं अभी जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।